सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। शरद पूर्णिमा को माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। परंपरा के अनुसार इस दिन खीर बनाई जाती है और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। यह परंपरा सनातन धर्म में सदियों से चली आ रही है। इस मौके पर खीर को एक प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि यह आरोग्य को बढ़ावा देता है, लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के दिन के साथ ही चंद्र ग्रहण होने पर जिसकी वजह से लोगों में खीर प्रसाद को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। एक साल में 12 पूर्णिमा होती है, लेकिन जब अधिक मास का साल होता है उस साल 13 पूर्णिमा का योग बनता है, लेकिन इस शरद पूर्णिमा में का महत्व सबसे ज्यादा खास माना जाता है। इस रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि चंद्रमा इस रात अपनी 16 कलाओं में होता है। रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसे सुबह ग्रहण करना अमृत रूप माना जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि यह खीर कब बनाना चाहिए, कैसे उसको रखना चाहिए और चंद्र ग्रहण होने के बावजूद कैसे शरद पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए, इसको लेकर ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में यह चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जिसमें इसका सूतक रहेगा शाम को 4:05 में चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा और मध्य रात्रि में रात को 1 ग्रहण का स्पर्श होगा, जिसका मोक्ष जो है 2:23 में रात को लगेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा बहुत से राज्यों में पूरे भारत देश में शरद पूर्णिमा की पर्व में उत्साह के रूप में बहुत से मंदिरों में बहुत से क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा का बहुत बढ़िया खीर बना करके उनका प्रसाद वितरण किया जाता है। बहुत से क्षेत्रों में इनकी दवाई दी भी जाती है, जिसमें दमा इत्यादि के रोगी जो है उस खीर के प्रसाद में मिला करके दवाई का वितरण करते हैं, बहुत से आयुर्वेद के जो ज्ञाता हैं। तो इस रात को सूतक और ग्रहण होने के कारण इसमें नियम यही है कि सूतक लगने के पूर्व खीर को बना लें और उसमें औषधि के साथ में तुलसी पत्र और गंगा जल डाल करके उसको ढक करके रख दे। फिर मध्य रात्रि जब 2:23 के बाद ग्रहण छोड़ दे तो उसके बाद शुद्धिकरण पश्चात उसका प्रसाद वितरण करके शरद पूर्णिमा का पर्व जो है मनाया जा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की माँ महामाया देवी मंदिर में भी शरद पूर्णिमा का पर्व उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार जो है ग्रहण होने के कारण इसी तरह से हम लोग भी उत्सव को मनाएंगे।